आज बन रही है माँ बेटी रसोड़ा में राजस्थान की फेमस गट्टे की सब्जी, जो हर फंक्शन हर पार्टी में बनाई जाती है। चलिए हमारे साथ किचन में ये प्यारी सी टेस्टी सी सब्जी बनाने के लिए। सबसे पहले गैस पे रखेंगे एक बर्तन, 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह बॉईल करेंगे। पानी में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। हमने ये वाले गट्टे लिए हैं जो मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं, इसको ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड पानी में। गैस को करेंगे बंद और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम इसी तरह छोड़ेंगे। गट्टे हमारे बॉयल होते हैं, इतने हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ 3 से 4 टमाटर को काट लिया है रफली। हमने यहाँ 2 से 3 बड़े प्याज को रफली चॉप किया है। लहसुन छील लिया है 1 से 2 पोथी। अदरक हरी मिर्च को हमने बारीक काटा है। लहसुन प्याज को हम एक साथ पीसेंगे और टमाटर की ग्रेवी हम अलग बनाएंगे। यहाँ लेंगे एक मिक्सर जार, ऐड करेंगे हमारे रफली चॉप किए हुए प्याज, इसी में ऐड करेंगे लहसुन। हमारी पीस करके तैयार है। इसमें हमने 4 से 5 चम्मच पानी भी ऐड किया था पीसते समय। गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई, ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का कच्ची घानी तेल। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हमारे गट्टे की सब्जी में, इससे हमें राजस्थान की पहचान मिलती है। तेल को अच्छी तरह धुएंदार गर्म होने देते हैं। होटल जैसा स्टाइल देने के लिए इकट्ठे कर लिए हमने कुछ मसाले, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 छोटी चम्मच साबुत खड़ा धनिया, 3 लौंग, 5 काली मिर्च, 1 छोटी हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची जिसको हमने कूट लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े, लाल मिर्च साबुत खड़ी, 2 से 3 तेज पत्ता और साथ ही में 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन भी डालेंगे, जिससे हमें ये सब्जी कोई नुकसान नहीं देगी। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सारे इकट्ठे किए हुए मसाले। मसालों को अच्छी तरह से चटकने देंगे तेल के साथ। सारे मसाले तेल के साथ अच्छी तरह चटक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च को तेल के साथ हल्का सा सोटे करेंगे और ऐड करेंगे हमारी लहसुन प्याज की प्योरे जो अभी हमने बना के तैयार की है। ग्रेवी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ग्रेवी जब तक हमारी तेल छोड़ेगी हम इसको पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ मीडियम रखेंगे। यहाँ हम लेंगे 1 कप दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही के साथ। देखिए ग्रेवी ने हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमारे गट्टे। गट्टे हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर के तैयार है, ये देखिए। देखिए लहसुन प्याज का कलर चेंज हो चुका है और तेल भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे दही और मसाले। दही और मसालों को भी हम लहसुन प्याज के साथ तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम हम यहाँ मीडियम रखेंगे ताकि कोई भी मसाला जले ना। देखिए दही डालने के बाद दही भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। कितनी अच्छी तरह इसने सारा तेल रिलीज़ कर दिया है। फिर हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच किचन किंग पाउडर। यह हमारा घर का बना हुआ पाउडर है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर लिंक देख सकते हैं। हमने हमारे टमाटर की ग्रेवी भी बनाकर तैयार कर ली है, ऐड करेंगे। टमाटर को भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक और बॉईल करेंगे। देखिए 8 से 10 कलियाँ हमने लहसुन की खलबत्ते में कूट ली हैं, ऐड करेंगे हमारी तैयार की हुई ग्रेवी में। ऐसे लहसुन डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी सब्जी में। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारी ग्रेवी में। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे दूध की फ्रेश मलाई 2 चम्मच। इससे हमारी सब्जी में बहुत ही क्रीमी और अच्छा स्मूथी टेक्सचर आएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। मलाई को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम 2 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉईल किए हुए गट्टे जिनको हमने गर्म पानी में भिगो के छोड़ा था, पानी के समेत ही हम इसमें ऐड करेंगे। गट्टे डालने के बाद 3 से 4 मिनट और हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से उबलने देंगे, सीझने देंगे ताकि बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी बने। अच्छी तरह से उबलने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई रोस्ट मेथी पत्ता। फलियों के बीच में डालकर क्रश कर लिया है। सब्जी में ऐड करके हम सब्जी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी थिकनेस वाली हमारी गट्टे की सब्जी बन करके तैयार हुई है। सब्जी हमारी अच्छी तरह से बन करके तैयार है। अब हम इस पे ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हम रखेंगे ताकि हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे, महक आने लगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम कर लेते हैं सब्जी को सर्व।
देखिए कितने क्रीमी और थिकनेस वाली हमारी सब्जी बनकर के तैयार हुई है। उम्मीद है आपके भी मुंह में पानी आ रहा हो। हमने इसको मलाई से गार्निश किया है। आप किसी भी चीज़ से, अमूल की फ्रेश क्रीम से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। आप अपने घरों में बनाए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपकी सब्जी ये कैसी बनी, और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।